रिश्ते हैं प्यार के में मिस्टी और नन्नू की सगाई शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच जाता है हमारा और आपका अबीर। अबीर को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने मिस्टी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस्टी वो सारा सच बताने की कई बार कोशिश कर चुकी। उसने अबीर को कई बार कॉल किया, पर हर बार अबीर ने उसे इग्नोर किया। हर बार अबीर उसकी बात ना सुनने की बात कही। और ऐसे में आज अबीर को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़े सच से वो अनजान था। और आज इसी बात का एहसास करके वो पहुंच चुका है मिस्टी की सगाई में ढोल और ताशों के साथ। और यहाँ जब मिस्टी उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है शायद अबीर वापस लौट आया है। अब ये सब कैसे होता है, चलिए वो बताते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जुगनू मीनाक्षी से कहेगा कि उसे कुहू भाभी ने बुलाया है, उनको घर में मदद चाहिए, उनके भाई की सगाई है और इसलिए मदद चाहिए। मीनाक्षी यहाँ पर जुगनू को पहले तो बहुत अजीब सा घूरती है और जाने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उसे परमिशन दे देती है कि वो चला जाए और साथ ही उसे क्रेडिट कार्ड देती है। जुगनू को क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि मिस्टी को कहना ये पूरी सगाई का खर्चा मेरी तरफ से। मीनाक्षी जैसे ही ये बात जुगनू को कहती है वैसे ही मासी ये बात सुन लेती हैं। मासी वहीं दूर खड़ी रहती हैं और उन्हें लगता है कि मीनाक्षी इतने ज़्यादा पैसे उस चीज़ पे क्यों खर्च कर रही हैं, वो कीमत चुका रही हैं। और मासी को लगता है वो ऐसा नहीं होने देगी। मासी मिस्टी को मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ दूसरी तरफ घर में शादी की सगाई की तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत सारी शॉपिंग हो रही है, कुहू पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे सब लोग मिस्टी से मजाक मस्ती कर रहे होंगे। बड़े पापा आते हैं और मिस्टी को कहते हैं कि वो ड्रेस ट्राई करे रात की, उसे कैसी लग रही है। यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वहाँ सब जहाँ पूरी तरह खुश हैं वहीं निशांत की माँ बहुत दुखी है। यहाँ पर बड़े पापा निशांत की माँ से कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन निशांत की माँ वहाँ सीधा जवाब देती हैं कि सब लोग खुश हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए मिस्टी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, पर निशांत आके अपनी माँ को समझाता है कि मुझे मिस्टी पसंद है, ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टी पहुँचती है वहाँ उस रोड पर जहाँ पर मासी ने बुलाया है। मासी यहाँ पर मिस्टी से कुछ बात करने ही वाली होती है कि दूर से अबीर देख लेता है कि मिस्टी और मासी मिल रहे हैं। उसे लगता है मिस्टी आखिर मासी से क्यों मिल रही है। इस कन्वर्सेशन में वो ये भी देख लेता है कि मासी मिस्टी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हैं। और यहाँ अबीर को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है उसके घर वाले मिस्टी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ बात कुछ और थी। मासी यहाँ मिस्टी से कहती है कि उस दिन वो उनके जब घर आई थी तो उसने बहुत रूड बर्ताव किया था, मासी ने बहुत अजीब तरीके से बात की थी, उसके लिए वो सॉरी बोल रही थी। और कुछ बात तो ये पूछने वाली होती है, उस लेटर का सच जानने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर अबीर पहुँच जाता है और वो मिस्टी को बहुत कुछ सुनाता है। वो कहता है उसकी फैमिली से क्यों मिल रही है, क्यों उन्हें नहीं छोड़ देती, क्यों तकलीफ़ देने की कोशिश करी, उसका हमारी फैमिली से क्या रिश्ता है। मासी यहाँ कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टी और अबीर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, मिस्टी यहाँ बहुत सारी बातें कहकर ये कहकर चली जाती है कि आज के बाद मैं अबीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। मासी को यहाँ बहुत तकलीफ होती है, वो तो यहाँ उस लेटर का सच जानने आई थी, ये सच जानने आई थी कि क्या मिस्टी अभी भी अबीर से प्यार करती है, क्योंकि अबीर तो मिस्टी से प्यार करता है, इस बात का एहसास मासी को है। यहाँ पे कुछ बात नहीं बनती और मिस्टी यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहाँ घर पहुँचती है और बहुत रोती है, अपने कान्हा जी से बातें करती है। और जहाँ वो आज तक कान्हा जी को ये कह रही थी कि अबीर जैसे इंसान से प्यार करके वो बहुत खुश है, वहीं आज वो अपने भगवान से ये कहती नज़र आई कि उसने कैसे इंसान से प्यार कर लिया जो उसके जज्बातों को नहीं समझता, उसे नहीं समझता। इतना ही कहकर वो यहाँ रो रही होती है कि यहाँ पर कुहू पहुँचती है। कुहू देख लेती है कि मिस्टी रो रही है। कुहू यहाँ पर बात बदलने की कोशिश करती है, उसे पता चल जाता है कि मिस्टी कितने हर्ट है, अबीर उसके साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, किस तरह उससे झगड़ा कर रहा है, किस तरह उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कुहू पहुँच जाएगी अबीर के पास। यहाँ अबीर कुहू से कुछ बात ही करने वाला होगा कि पहली बार कुहू अबीर से इस तरीके से बात करेगी। वो अबीर से कहेगी मुझे हमेशा लगा था कि कुणाल ऐसी हरकतें कर सकता है, पर आपके ऊपर ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। आप मिस्टी को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, उससे झगड़ा क्यों करते हैं। इतनी ही बातों में कुहू यहाँ बहुत बड़ा राज खोल देती है। कुहू यहाँ अबीर से कहती है कि आपके भाई ने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की, और अगर आप उससे ये सवाल करेंगे तो वो ये कहेगा कि ये उसकी माँ ने कहा था।
आप दोनों भाई मिलकर हमारे घर को परेशान करना बंद कर दीजिए, हमारी फैमिली को परेशान करना बंद कर दीजिए। अबीर को ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने निशांत को डॉक्टर के पास देखा था और ये बात करते हुए सुना था कि उस रात जिस दिन पार्टी थी, निशांत की ड्रिंक में किसी ने अल्कोहल मिलाया था और वो अल्कोहल किसने मिलाया था ये बात अबीर को अब पता चली और ये भी पता चल गई कि ये माँ के कहने पे किया गया था। अबीर को ये इस बात का समझ में आ जाता है कि मिस्टी उस रात के बाद उसे कई बार कॉल कर रही थी, मैसेज भी किया था उसने मिलने के लिए, पर हर बार अबीर ने उसे इग्नोर किया। मिलने के बाद जब मिस्टी एक बार बीच में मिली भी थी, उसने सच बताने की कोशिश की थी कि अबीर एक बार मेरी पूरी बातें सुन लो, पर अबीर ने कभी भी उसकी बातों का ध्यान ही नहीं दिया। आज अबीर को ये लगता है कि कहीं उसने मिस्टी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ऐसे में आप देखेंगे अबीर को इस बात का एहसास होगा और वो सारी चीज़ें भुलाकर पहुँचेगा मिस्टी की सगाई में, जहाँ मिस्टी और निशांत की सगाई हो रही है। वहाँ ढोल ताशों वालों के बीच में उन्हीं के गेटअप में पहुँचेगा अबीर और मिस्टी उसे देख लेगी। उसे देख कर मिस्टी को पहले तो बुरा लगेगा कि आखिर अबीर यहाँ आया क्यों, लेकिन फिर भी प्यार तो करती है मिस्टी। उसे कहीं ना कहीं ये लग जाएगा कि अबीर शायद उसे वापस लेने आया है। अब क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।